एडी में दर्द है तो उसके लिए आप चंद्र प्रभा वटी, पीड़ांतक वटी दो दो गोली सुबह शाम लेते रहिएगा, उससे लाभ हो जाएगा। बच्चों की लंबाई के लिए, मानसिक विकास के लिए आप अश्वगंधा, एक निरापद है, दोनों तरह से वो काम करती है, उसको आप लगभग, छोटा बच्चा है तो 1 ग्राम, बड़ा है तो 2-3 ग्राम आप लगातार आप उसको दूध के साथ दे दीजिए, उससे पूरा लाभ हो जाएगा। और प्राणायाम योगासन कराते रहिएगा। पेट में दर्द के लिए और गैस के लिए भी आपका निवेदन है कि एलोवेरा आंवले का जो सुबह शाम नियमित रूप से खाली पेट पिए। खाने के बाद में आप, जिनको ज़्यादा कब्ज रहता है वो अभयारिष्ट 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी, कब्ज ज़्यादा नहीं रहता है तो कुमारिया सब का 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी मिला करके पिए। चित्रकादी वटी और पूर्णनवादी मंडूर दो दो गोली दोनों की ले लें, उससे आपका पेट भी ठीक रहेगा, स्वेलिंग और इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, हीमोग्लोबिन भी उठ से बढ़ जाएगी। तो ये, और पेट से गैस बनती हो ज़्यादा, पतंजलि में हम लोग एक गैस हर चूर्ण बनाते हैं वो बहुत ही अद्भुत है। और कोरोनिल के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी खा सकता है क्योंकि ये दोनों तरह से ये काम करता है, ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, ये कोरोना के पेशेंट्स को भी जो लोग खाए हैं वो ठीक हैं। तो इसीलिए कि यदा यदि आपका काम है, आप बाहर जाना पड़ता है, इधर उधर लोगों में रहता है कि जहाँ पर समूह में जाना पड़ता है, तो निश्चित रूप से स्वासादि और कोरोनिल मैं निवेदन करूंगा दोनों ही एक साथ आप लेना शुरू कर दीजिए। और लौकी का जूस निकालने का सही तरीका, मिक्सर में डालिए और निकालिए, और मिक्सी नहीं है, मिक्सी में टुकड़े टुकड़े करके डाल करके आप निचोड़ सकते हैं, जूसर में डाल करके भी आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद में आप एक काम और कर सकते हैं, उसमें थोड़े से पुदीना डाल करके भी थोड़ा सा, उसमें चाहे तो आप काली मिर्च या थोड़ा सा हल्का सा काला नमक डाल करके भी ले सकते हैं, हार्ट के लिए भी बहुत ही लाभकारी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। कि जिनको ज़्यादा कब्ज रहता हो तो वो आप अभयारिष्ट भी 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी खाने के बाद लगातार लेते रहिए। रात को पेट साफ करने के लिए आप दिव्य चूर्ण भी ले सकते हैं 1 चम्मच गर्म पानी से, या फिर उदरकल्प चूर्ण भी ले सकते हैं गर्म पानी से, या शुद्धि चूर्ण भी आप गर्म पानी से ले सकते हैं। और जिनको बार बार पथरी बनने की समस्या है, या बार बार आपको पथरी बनती हो, तो भी आप उसको लेते रहिएगा, उससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। जिनको जैसे जोड़ों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द है, उनके लिए भी मेरा निवेदन है कि आप जो गूगल है, गूगल आयुर्वेद में उसकी बहुत ही प्रशंसा की गई है, सब तरह के शोध के लिए, पीड़ा के लिए, दर्द के लिए, तो वह आप योगराज गूगल हो और चंद्र प्रभा वटी आप नियमित रूप से दो दो गोली सुबह शाम गर्म पानी से या दूध से ले लीजिए। ये ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा परेशानी है, तो आप 3 बार भी ले सकते हैं, तो इससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा।